दोस्तों आनंद मोहन आजादी के बाद पहला ऐसा नेता है जिसे मिली फांसी की सजा। दोस्तों आनंद मोहन सिंह का जन्म 28 जनवरी 1954 को बिहार के सहरसा जिले में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह के पोते हैं। दोस्तों बिहार के बाहुबली आनंद मोहन ने खुद बताया है कि उन्हें राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए नारायण दास के द्वारा की गई क्रांति में भाग लेना पड़ा था, जिसके लिए उन्हें 17 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ना पड़ा था। दोस्तों हम आपको बता दें कि आनंद मोहन ऐसा नेता है जो इमरजेंसी के दौरान 2 साल जेल में रहे हैं। दोस्तों आनंद मोहन का नाम उन नेताओं में शामिल है जिनकी बिहार की राजनीति में 1990 के दशक में बोलबाला रहता था। दोस्तों जैसे जैसे आनंद मोहन ने राजनीति में कदम पसारता गया, उसके बाद से उसने कई ऐसे जुर्म किए जिन्हें सुनकर लोगों की रूह कांप जाएगी, जिस वजह से उन पर कई मामले दर्ज किए गए, कई बार सलाखों के पीछे भी गए। लेकिन दोस्तों साल 1994 को एक ऐसा मामला सामने आया जिससे बिहार सहित पूरे राज्य में भूचाल मच गया। तो 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के दलित IAS अधिकारी कृष्णा जी की पीट पीट कर व गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों इस भीड़ को आनंद मोहन ने उकसाया था। इस मामले में आनंद मोहन व उनकी पत्नी लवली आनंद समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। हाई कोर्ट ने साल 2007 में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई, हालांकि 2008 में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। साल 2012 में आनंद मोहन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करवाने के लिए दया याचिका दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दोस्तों अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।